अवसर पर आप सबको जय हो और साथ ही साथ क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयां। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब भी कोई एक बालक, एक बच्चा हमारे घर में पैदा होता है, जब भी हमें खबर मिलती है कि इस घर में एक बच्चा हुआ है, तो कितनी खुशी होती है। भले वो बच्चा रोए, लेकिन सबके चेहरों पर एक बहुत ही खुशी भरी मुस्कुराहट होती है। सब जगह एक खुशी का माहौल होता है। और ऐसा ही एक शुभ दिन, एक शुभ अवसर आज हम मना रहे हैं। हम भी आज एक जन्मदिन मना रहे हैं, और वह जन्मदिन किसी अजनबी का नहीं, वो हमारे बालक यीशु का है, हमारे प्रभु यीशु का है। जन्मदिन के अवसर पर हम कितने धूमधाम से किसी का जन्मदिन मनाते हैं। हम अपने जन्मदिन को और अपने चाहने वालों के जन्मदिन को कितने बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, ये बताने के लिए कि वो हमारे लिए कितने खास है, हमारे दिल के कितने करीब है, हम उनसे कितना प्यार करते हैं। तो आज जब हम प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाते हैं, आज हम भी व्यक्त करें कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है, क्रिसमस मनाने के लिए, धूमधाम से मनाने के लिए, क्रिप बनाने के लिए, सब करते करते क्या हम क्रिसमस का सही अर्थ भूल जाते हैं? कई बार उसे क्रिसमस को धूमधाम से मनाने के बाद, सारे कामकाज के बाद, हमारे साथ सिर्फ उस क्रिसमस की थकान ही बस रह जाती है। हम उस क्रिसमस की खुशी को, प्यार को, शांति को अनुभव करना भूल जाते हैं, कहीं खो जाते हैं। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम सही ढंग से यीशु के साथ, उनसे प्यार करने के लिए, उनकी खुशी को अपनाने के लिए, अपनों से एक साथ रहने के लिए हम भूल जाते हैं। तो आज इस क्रिसमस पर हम ये निश्चय लें कि हम पूरे दिल से इस बार क्रिसमस मनाएंगे। यीशु हमारे लिए इस धरती पर क्यों आए? उन्होंने इस धरती पर जन्म क्यों लिया? क्या उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए नहीं लिया था? उन्होंने इसीलिए लिया था ताकि वे पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरी कर सके, ताकि वो मनुष्य जाति को ये बता सके कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, एक महत्व है। क्या है इस जीवन का लक्ष्य? आज के पहले पाठ से, नबी इसायास के द्वारा पहले पाठ से हम ये समझने और सुनने के लिए मिलता है कि एक कुवारी एक पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम रखेगी इम्मानुएल। इम्मानुएल जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। जब हम ये कहते हैं प्रभु हमारे साथ है, तो कितनी शांति हम महसूस करते हैं, कितनी सुकून हमें मिलता है। क्योंकि कुछ भी जिंदगी के कोई भी परेशानी में जब हम ये समझे कि ईश्वर हमारे साथ है, तो कितनी खुशी होती है। हमें सारे तकलीफों से, सारे दुख तकलीफों मुश्किलों से सामना करने का एक ताकत मिलता है। तो उसी प्रकार हमें भी ईश्वर हमारे साथ होने का अनुभव करना है, और इसी अनुभव को हमें दूसरों के साथ बांटना भी है और उन्हें बताना है कि ईश्वर सदा ही हमारे साथ है। भले दुख हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, बीमारी हो, लेकिन फिर भी इम्मानुएल हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। साथ ही साथ नबी इसायास ये भी कहते हैं कि अंधकार में बैठे लोगों के लिए एक महती ज्योति का उदित हुआ है, एक तारा उदित हुआ है। तारा क्या करता है? राह दिखाता है। और उसी प्रकार ईसा हमें एक राह दिखाने के लिए आए हैं, एक रास्ता, एक मार्ग दिखाने के लिए आए हैं। सच्चाई का मार्ग, शांति का मार्ग, प्रेम का मार्ग, खुशी का मार्ग, भाईचारे का मार्ग। हमारे जीवन से हमें दूसरों को भी ईश्वर के पास ले जाना है, एक मार्ग बनना है। आज के दूसरे पाठ से नबी मीका हमसे कहते हैं, एक भला चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता है। भला चरवाहा है यीशु हमारे लिए, हम सब की रक्षा के लिए, हम सब को मार्ग दिखाने के लिए, संजीवन जल की ओर ले जाने के लिए, हरे भरे मैदान में ले जाने के लिए हमारा चरवाहा हमारे साथ है, हमें राह दिखाता है।
और उसी राग पर हम जब चलते हैं तो हमें संजीवन जल मिलता है, एक ऐसा जल जो हमारी सभी प्यास बुझा देगी, सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। गलातियों के नाम से पौलुस के पत्र से आज के तीसरे पाठ से हमें यह जानने के लिए, समझने के लिए मिलता है कि प्रभु ईसा के जन्म द्वारा हम सब पिता परमेश्वर के पुत्र प्रिया बन गए। कितनी गर्व की बात है, हम कितने खुशनसीब हैं कि हम पिता परमेश्वर के, इस जग के सृष्टिकर्ता के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। और जब हम ईश्वर के पुत्र पुत्रिया होने के नाते हमें भी उनके जैसे ही जीना है, उनके जैसे ही दयालु बनना है, सबके साथ प्यार करना है। हमारे आस पड़ोस के लोग भी हमारे भाई बहन हैं, कोई दुश्मन नहीं, कोई ऐरे गहरे नहीं है कि हम उनसे कोई भेदभाव करें। वो भले हमारे साथ ना रहे, लेकिन हमें हमेशा सबको हमारे दिल में लेके चलना है, तभी हम क्रिसमस मना सकते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं माता मरियम, संत यूसुफ, चरवाहे और स्वर्गदूत सब मिलकर यीशु के जन्म के लिए कैसे अपने आप को तैयार करते हैं। माता मरियम की हाँ कहने से प्रभु यीशु इस धरती पर आ सके। संत यूसुफ अपने पूरे कर्तव्य को भली भांति निभाते हुए अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह से ईमानदारी से ईश्वर की इच्छा के अनुसार निभाते हैं। और उसी प्रकार चरवाहे जो भेड़ चरा रहे थे, रात को जागकर भेड़ चरा रहे थे, वो ही स्वर्गदूत के शुभ संदेश को सुन सके। ऐसा शुभ संदेश जो यह कहता है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारक का जन्म हुआ है, एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। स्वर्गदूत भी खुशी के साथ गाते हैं, चरवाहे झूम उठते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक मुक्तिदाता आया है, हमारे लिए एक मुक्तिदाता, वो हमारे लिए आए, मेरे लिए आए, मेरी जिंदगी को और सुंदर बनाने के लिए आए। तो प्रिय भाइयों और बहनों, इस मुक्तिदाता के जन्म से हमारी जिंदगी को भी एक अर्थ मिलता है। हमारी जिंदगी सिर्फ केवल जीने और मरने के लिए नहीं है, इसे भी एक शुभ संदेश बनाना है, जिससे सब जगह पर सब लोगों को हम ये बता सके कि ईश्वर हमारे साथ है, कि ईश्वर हमारे मुक्तिदाता है, ईश्वर हमारे रखवाल दूत है, और वो हमेशा हमारे साथ देंगे, हमारे साथ रहेंगे। दुख हो, सुख हो, अच्छाई हो, बुराई हो, लेकिन ईश्वर हमें कभी नहीं त्यागेंगे। और उसी प्रकार हमें सत्य के मार्ग पर चलना है, खुशी और प्रेम के मार्ग पर चलना है, शांति का दूत बनना है, तभी हमारी जिंदगी के हर एक दिन को हम क्रिसमस के रूप में बना सकेंगे और सबसे कह पाएंगे कि ईश्वर इम्मानुएल आज हमारे लिए जन्म लिए, और सिर्फ आज के लिए नहीं, वो हमेशा हमारे साथ है, हमें खुशी देने के लिए, हमें शांति देने के लिए। तो इसी क्रिसमस की शांति, प्रेम और खुशी के साथ आप सबों को जय यीशु और क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ।